Hey guys, my name is Ashish and you are watching Wrestle Stroke. तो guys, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब आज के Wrestlemania Backlash 2021 में SmackDown Women's Championship के लिए हमें मैच देखने को मिलता है, तो guys इस मैच का हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला, तो guys आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले guys, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के रेसलमेनिया बैकलैश 2021 में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हमें मैच देखने को मिलता है बियंका ब्लेयर वर्सेस बेली के बीच में, जहां पे गाइस सबसे पहले अपने बेली अपने थीम सॉन्ग के साथ रिंग में आती हैं और उसके बाद फिर बियंका ब्लेयर अपने थीम सॉन्ग के साथ रिंग में आती हैं। गाइस मैच स्टार्ट होता है। मैच के मोस्ट ऑफ द पार्ट में हमें यह देखने को मिलता है कि द रोल मॉडल बेली अपना जो वो उनका फनी वाला मूव है, यानी गाइस जो उनका फनी वाला कैरेक्टर है वो उसमें रहती है और वो काफ़ी डोमिनेटिंग रहती है बियंका ब्लेयर पे। लेकिन गाइस जैसे मैच का मतलब आप कह सकते हो कि एंडिंग टाइम आते रहता है, बियंका ब्लेयर वैसे बैकअप करती हैं और बियंका ब्लेयर भारी पड़ती हैं बेली पे। और गाइस मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, कभी बियंका ब्लेयर भारी पड़ती है बेली पे तो कभी बेली भारी पड़ती है बियंका ब्लेयर पे। लेकिन गाइस एट द एंड इस मैच को और कोई नहीं बल्कि गाइस बियंका ब्लेयर जीतती हैं। गाइस होता यूँ है कि जो इस मैच का हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, मतलब जैसा कि गाइस अगर आपने कितने मैचेस को देखा हुआ बियंका ब्लेयर का, तो गाइस वो अपना मतलब जो उनका हेयर है उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करती हैं। तो गाइस बेली इस बार चालाकी करती है क्या कि उनका जो हेयर आता है उसी को हटाने की कोशिश करती है और उसी से कांड करने की कोशिश करती है। लेकिन गाइस हमें क्या मालूम चलता है कि ये कांड फेल हो जाता है और इस मैच को और कोई नहीं बल्कि गाइस बियंका ब्लेयर जीत जाती है और वो अपना स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन करती हैं। तो गाइस आज के रेसलमेनिया बैकलैश 2021 में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो हमें मैच देखने को मिला, इस मैच का कुछ यही रिजल्ट हुआ। तो होप करता हूं वीडियो आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय फ्रेंड्स।